अपने पैसे जीएल में लगा रहे हो या फिर स्मॉल लीग में लगा रहे हो मैं आपको सीधे बोलूंगा पूरे के पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई भी आपको ऐसी वीडियो बनाने को नहीं मिलेगी कहीं पर भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा मैंने यहाँ पे कई सारा ऐसा न्यूज निकाला हुआ है जिसके दम को हम इजिली अपनी फैंटेसी टीम बना पाएंगे कोई भी वो नहीं रहेगा और एक दो ऐसे रिस्की प्लेयर भी होंगे जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा होगा क्या उसमें से थोड़ी सी चीजें इंग्लैंड की टीम ने 117 रन 10 ओवर में बना दिए वेस्ट इंडीज की टीम ने 130 रन 11 ओवर में बना दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 200 रन बना लिया इंडिया की टीम ने 180 रन यानी कि रन यहाँ पे बनाए जा रहे हैं रन यहाँ पे बनाए जा

के चांस काफी अच्छे रह रहे हैं आमने सामने में सूर्या और कुलदीप ने काफी अच्छा किया है

आप अपनी धीमे मार्को जैनसन को हम लेंगे वहां पे हम अपनी टीम में रोहित शर्मा को लेकर के नहीं चलेंगे क्योंकि मार्को जैनसन जो बॉलर है वो लेफ्टी बॉलर है रोहित शर्मा जो है नई बॉल से ये जो लेफ्टी बॉलर है उनके सामने कई बार स्ट्रगल कर रहा है और मार्को जैसन की बॉल थोड़ा सा भी भी एक्स्ट्रा बाउंस लेगी वहां टॉपिस लग सकता है तो अगर मार्को जैनसन को लेंगे वहां पर रोहित शर्मा कोहली में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो कि जल्दी अपना विकेट गिराएगा क्योंकि मार्को जैनसन नई बॉल से बॉल करेगा वहां पे कोहली और रोहित शर्मा में से किसी एक को ड्रॉप करके चलना होगा यहाँ पे मेनली कहूंगा कि मार्कम मार्करम और क्विंटन डीकॉक ये दोनों प्लेयर के फ्लॉप होने के चांस है अगर आप अपनी टीम में अक्षर पटेल या फिर रविंद्र जडेजा को ले रहे हो क्योंकि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा दोनों के दोनों ने दोनों के दोनों ने क्विंटन डीकॉक को और एदर मार्करम को काफी परेशान किया दोनों ने तो अक्षर पटेल को ले रहे हो मार्करम को ना लेना और दोनों को ले रो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को वहां पे कुछ को ना लेना और दीपॉक का एक चीज है कि अपने एरिया के सामने हमेशा रन पेल के बनाता है एक और चीज है कि यहाँ पे कैगिसो रबादा के सामने अपने सूर्या ने सूर्या ने सुखी बॉल पे एक रन बनाए हैं हर बॉल पे 185 की स्ट्राइक रेट से क्या गजब की बल्लेबाजी किया है क्या गजब की बल्लेबाजी किया है यह चीज आपको ध्यान रखना है देविद मिलर के सामने हार्दिक पांडे ने गजब की बॉल किया है इसको तो तीन बार आउट किया है यानी कि मिलर से बल्लेबाजी के लिए आएगा वहां पे हार्दिक पांडे बॉल करने के लिए आने के पूरे पूरे चांस रहने वाले हैं और जो ये टीम रहेगी मेरे हिसाब से हारने वाली है अगर सिर्फ एक प्लेयर है किसी भी तरीके से कुछ को रोकना होगा क्योंकि ये जो प्लेयर ने अपने अक्षर पटेल को लाए चाहे उसके लिए रविंद्र जोड़ेसा को लाए चाहे उसके लिए कुलदीप को लाए कुलदीप के सामने भी कुंदन दिकॉक ने कोई इतने खास रन नहीं बनाया और शुरू के ओवर में अर्षदीप वो तो बॉल करेंगे ही करेंगे यहां से मैं कहूँगा कि अगर इनके शुरू के पांच में से चार प्लेयर कोलेप्स कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही प्लेयर है जो कि ऐसे समय में हमेशा रन बनाता है जिसका नाम है मिलर अगर आप जीएल की टीम बना रहे हो वहां पे ये पांचों प्लेयर कोलेप्स हो रहे हैं तो वहां पे समझ जाना कि मिलर कंफर्म है कि रन बनाने वाला है मिलर वो प्लेयर है जो कि चालीस से ज्यादा रन बनाएगा और आपको ड्रीम टीम में नजर जरूर से आने वाला है ध्यान रखना यहां से मार्कुर को अगर आप ले रहे हो फिर वहां पे अक्षर पटेल का इतना कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि अक्षर पटेल की बॉल पे जब परम सही से खेलेगा तभी वहां पे अक्षर पटेल फ्लॉप होगा यानी कि मार्कुर को ले रहे हो वहां पे अक्षर पटेल को इतना सही नहीं रहेगा लेकिन अगर अक्षर पटेल को ले रहे हो कैप ऑफिस बना रहे हो तो वहां पर समझ जाना कि मार्कुर हो गया और कुंदन दिकॉक हो गया दोनों के फ्लॉप होने के चांस रहेंगे मार्को जेंसन को ले रहे हो तो रोहित शर्मा के फ्लॉप होने के चांस है कोहली के दोनों में से कोई ना कोई एक फ्लॉप होगा और मार्को जेंसन को मिली तभी लेंगे सब साउथ अफ्रीका वाले पहले बॉल करेगी अगर पहले बॉल है वहां पर मार्कोस जेंसन को ले लेंगे क्योंकि पहले बॉल में यह चार ओवर पूरा बॉल भी करेगा फिर बल्लेबाजी में भी रन बना सकता है आप जरा ध्यान से देखो आमने सामने में केशव महाराज के अलावा तीनों बॉलर फ्लॉप हुए हैं केशव महाराज ने दस मैचे दस विकेट लिया अपने इंडिया की टीम के सामने लेकिन उसके अलावा बच्चे को तीन के तीनों बॉलर्स ने खराब परफॉर्म किया है चाहे वो नोकिया हो चाहे वो रबादा हो चाहे वो तबरे शमसी हो तीनों फ्लॉप हुए हैं यानी कि तीन बॉलर्स में से किसी एक ही को लेकर के चलना है अगर अफ्रीका वाले पहले बॉल कर रहे हैं तो वहां पे नोकिया एक अच्छा प्लेयर रहेगा अफ्रीका वाले अगर सेकंड बॉल कर रहे हैं वहां पे कहो रबादा एक अच्छा प्लेयर रहेगा अफ्रीका वाले अगर सेकंड बॉल कर रहे हैं वहां पर तबरे शमसी एक सही प्लेयर रह सकता है

जो है 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 स्पिनर की बालों पे कई स्ट्रगल भी कर रहा है। इसी वजह से इतना सही ऑप्शन नहीं क्योंकि अगर रोहित शर्मा फ्लॉप होगा वहां पे ऋषभ पंत लंबा खेलने की कोशिश करेगा सूर्या जरूरिया आमने सामने वेन्यू सब अच्छा है हार्दिक पांडे जरूरिया पहले बल्लेबाजी में रन बना लेगा अक्सर पटेल को मेनली तब लेना है जब अपने एरिया की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है अगर पहले बॉल है वहां पे अक्सर पटेल के फ्लॉप होने के चांस रह सकते हैं या फिर पहले बॉल होगा तो वहां पे इसको एक ही विकेट मिलेगा क्योंकि पहले बॉल में स्पिनर की बॉल इतनी स्पिन नहीं होगी कुलदीप को लेना जरूरी है अर्षदीप को लेना जरूरी है जसप्रीत बुमराह को लेना जरूरी है चाहे तीनों का आमने सामने देखो या वेन्यू पे देखो सब चीज अव्वल तौर से गए ये तीनों बॉलर्स को लेकर के चलना आपके लिए मशिक रहेगा जरूरी रहेगा इनके ओर से शुरू की ओर से पहले छह ओवर में बॉल अर्शदीप दो ओवर करेगा बुमराह दो ओवर करेगा हार्दिक पांडे एक ओवर करेगा अक्षर पटेल एक ओवर बॉल करेगा आखिरी के सोलह से बीस ओवर के बीच में दो ओवर जस में बुमराह करेगा दो ओवर अर्शदीप करेगा एक ओवर हार्दिक पांडे करने वाला है और उसके अलावा सेमी टीम के लेके चलते ड्रीम इलेवन पे बोलने से पहले, पहले बल्लेबाजी कर रही है लेकिन जब इंडिया की टीम पहले बॉल करेगी वहां पे दूसरी टीम बनाऊंगा अगर यहाँ पे और दो टीमें जो बच्ची है वो मैंने जीएल के लिए बनाई है जो लोग लाखों करोड़ों लोग के पीछे खेल रहे हैं जो कि ग्रैंड लीग में पैसे लगा रहे हैं जो कि करोड़ों लोग के बीच जीतना चाह रहे हो उनके लिए मैंने जीएल की दो टीम बनाई है तो पूरे वीडियो को जरूर देखो चैनल पे नए आए पहली बार बदन इसके काफी स्मॉल लीग जीएल सभी चीजों का प्रदिक्शन देखने को मिलेगा विश्व कप के मैचेस मैंने आपको लगातार जिताया भी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो अगर पहले बल्लेबाजी है अपने इंडिया का तो बल्लेबाजियों को भी मैंने किया हुआ है और फिर वहां पे बॉलर्स को कैप बनाया कुलदीप क्योंकि सेकंड बॉल में इसकी बॉल काफी स्पिन होगी और अगर साउथ अफ्रीका को हारना है तो बीच के ओवर्स में उनको रन बनाने को जाने होंगे वहां पे कुलदीप की बॉल स्पिन होगी वहां पे रन बनाना आसान नहीं होगा आप इसमें चाहो तो रोहित शर्मा को वीसी ना बना करके यहाँ पे वीसी जसप्रीत बुमराह को बना करके चल सकते हो एक और काम करके चल सकते हो यहां पे मार्कोस जैनसन को ले सकते हो लेकिन मैंने मार्कोस जैनसन को इसलिए नहीं लिया है मन है मेरा लेने का लेकिन इसलिए नहीं लिया क्योंकि कोहली और रोहित शर्मा में से किसी ना किसी को फिर निकाल

वैसे भी केशव महाराज को किसी ने लिया नहीं है मान लो कि अपने इंडिया के चार विकेट गिरे उसमें से दो केशव महाराज को ही मिल जाए तो क्या लॉस होगा इसी वजह से मैंने उनके बॉलर्स को ना लेकर के उनके बल्लेबाजों के ऊपर भरोसा किया है चलते है अपने अगले जीएल की टीम की जो कि मैंने इस तरीके की बनाया मैंने मार्को जैनसन को लिया इसीलिए मैंने रोहित शर्मा को नहीं लिया है क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले अगर करते हैं तो सिर्फ एक प्लेयर है पंत को, को, को कैप बनाया और कुलदीप कई बार जसवी बुमराह की बॉल पर खेल जाएंगे अर्शदीप की बॉल पर रन बनाने को जाएंगे वहां पर इसकी बॉल काफी कमाल की हो सकती है मैंने रोहित शर्मा को नहीं लिया इसीलिए ऋषभ पंत को लिया क्योंकि रोहित शर्मा फ्लॉप होगा वहां पर ऋषभ पंत